नमस्कार। आज हम एक और रेसिपी बनाते हैं, जौ का दलिया, जो कि बहुत ही हेल्दी है। तो ये देखिए, ये जौ का दलिया है, कुछ इस तरह से होता है। इसे मैं 4 बड़े टेबलस्पून लेकर के धो करके अच्छी तरह 3-4 बार धो लूंगी और इसे भिगो करके रख दूंगी। और भिगो के रखने के बाद मैंने इसे बॉयल भी कर लिया है, आपको दिखाती हूँ मैं। ये मैंने बॉईल करके रख लिया है, आप इसे जब चाहो तब बना सकते हो। और ये फ्रिज में रखा है मैंने। फ्रिज में रखने से क्या होता है कि 3-4 बार हम इसे आराम से बना सकते हैं, बार बार बॉईल नहीं करना पड़ता। तो आज इसी से मैं इसका दलिया कर्ड बना रही हूँ। तो मैं इसे ले लूंगी जितना मुझे खाना है, 2 स्पून मैंने डाल दिया है, इसे साइड में करेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दही, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जिन्हें मीठे की बहुत कार्विंग रहती है, वो लोग इसमें थोड़ा सा हनी मिला करके और थोड़े से नट्स मिला करके भी खा सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है, तो मैं इसको लंच में खा रही हूँ, तो इसलिए मैं आज मीठे वाला नहीं खाऊंगी, इसलिए मैं इसको नमकीन स्टाइल में खाऊंगी। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने पैन गरम कर लिया, डालूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, क्योंकि तड़का लगाना है तो ऑयल डालना ही पड़ेगा मुझे। और बिल्कुल थोड़े से मैं डालूंगी सरसों के दाने, क्रैकल होने देते, और थोड़ा सा जीरा, थोड़े से कड़ी पत्ते, के साथ ही मैं डाल दूंगी प्याज। आप चाहो तो प्याज कच्चा भी डाल सकते हो, बस थोड़ा सा मैं पका लेती हूँ। इसे ज्यादा नहीं पकाना। अब इसमें डालेंगे टमाटर, अगर आपके पास कोई भी बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं तो आप उसे भी डाल सकते हो, टेस्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। बस इसे अब मैं 1 मिनट की सॉटे करने के बाद बंद कर दूंगी गैस को। तड़का डालने से पहले इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, रॉक सॉल्ट डालिएगा, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और थोड़ी सी काली मिर्च, ज्यादा मसाले नहीं डालेंगे इसमें। मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद जो हमने तड़का तैयार किया है वो तो तड़का डाल देंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, मेरा कर्ड दलिया बिल्कुल रेडी है। आपको ये माउथ वाटरिंग दलिया कैसा लगा? आप इससे वेट लूज भी कर सकते हो। अगर आप इसको 1 हफ्ता लगातार खाओगे तो आपका कुछ ना कुछ वेट तो जरूर ही जाएगा। मैंने भी ट्राई किया है, जब मुझे 1-2 किलो घटाना होता तो मैं इसी टाइप की डाइट्स फॉलो करती हूँ। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।